नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दूसरे नंबर की यानी लाडली बेटी रोहिणी आचार भले ही लोकसभा में हार गई हूं, लेकिन इन दिनों ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। रोहिणी आचार्य लगातार बिहार सरकार, केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहती हैं और एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने कुछ ऐसा ही किया है। भले ही लोकसभा चुनाव रोहिणी आचार्य हार गई हों, लेकिन बिहार की राजनीति पर उनकी नज़र अभी भी जमी हुई है। झारखंड के चकर्दपुर रेल मंडल के राजखरसवा और बडाबडो स्टेशन के बीच 1-2-8-1-10 मुंबई मेल हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि दर्जन से ज़्यादा लोग घायल होने की सूचना है। अब इस हादसे के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसको लेकर लोकसभा चुनाव में हारने के बाद रोहिणी आचार्य लंबे समय से चुप थी, लेकिन लगातार हो रहे ट्रेन हादसे पर उन्हें केंद्र सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, ना तो पुल पुलिया सड़क के धंसने टूटने और दरकने का सिलसिला थम रहा और ना ही दुखद रेल दुर्घटनाओं का जान माल की क्षति निरंतर जारी है। पिछले 10 सालों से देश की बागडोर जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों को इन सब की तनिक भी परवाह नहीं है। कोरी बयानबाजी की आड़ में भ्रष्टाचार ही इनका शासन का सार है। रोहिणी आचार्य ने अपनी बात आगे लिखते हुए कहा है कि रेलवे सुरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें तो खूब की सरकार में शामिल लोगों ने, मगर दुर्घटनाओं से सीख लेते हुए दुर्घटनाओं को रोक और थाम के लिए कोई गंभीर और सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक तरफ जहां हर एक दुर्घटना के पश्चात निचले और मध्य स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर निलंब की कार्रवाई और समीक्षा की जाँच का कोरम पूरा कर दिया जाता है, तो तमाम लापरवाही और यथावत जारी रहती है। रोहिणी ने ट्रेन दुर्घटना पर अपनी भड़ास निकालते हुए यह भी कहा है कि बयानवीरों की सरकार के लिए दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाली आम जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले मेरी ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और पीड़ित परिजनों को प्रति जो है मेरा हार्दिक संवेदनाएं। रोहिणी आचार्य के अलावा लालू यादव भी हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे। हाल ही के दिनों में हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है, सरकार की फजीहत हो रही है और अब देखने वाली बात होगी कि पिछले 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला कहां जाकर रुकता है। तो एक तरफ जहां एक के बाद एक रेल दुर्घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, ऐसे में अब केंद्र सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में विपक्षी पार्टी राजद की तरफ से भी केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने तो ट्वीट किया है, ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। फिलहाल के लिए सबरेज में इतना ही।